नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 4 जुलाई और गुरुवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एयर 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, झारखंड के सीएम संपाई सोरेन ने दिया इस्तीफा, 152 दिन का रहा कार्यकाल। सीएम पद की शपथ ले सकते हैं आज हेमंत सोरेन। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम संपाई सोरेन ने बुधवार शाम 7:20 के पास सीपी राधाकृष्ण को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। संपाई सिर्फ 152 दिन के झारखंड के सीएम बने हैं। संपाई सोरेन ने कहा है कि गठबंधन का जो फैसला था उसी के अनुसार मैंने काम किया है। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा है कि संपाई जी ने अपनी बात कह दी है, यह गठबंधन का फैसला है। अब हेमंत सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, मणिपुर में स्कूली सरकारी और दफ्तर बंद। असम में बाढ़ से 3 की मौत, 11 लाख लोग हो रहे हैं प्रभावित। दिल्ली राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ की चेतावनी। मानसून ने तय समय से 6 दिन यानी पहले 2 जुलाई पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। देश भर के तकरीबन सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई है। इससे आपको बता दें कि देश के 17 राज्यों में 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए दिल्ली राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 17 राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सहित इन राज्यों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हाउसिंग बोर्ड के मकान होंगे मांगे, आवासीय योजनाओं में जमीनों की दरें बढ़ाई गई। प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड स्कीम के तहत आने वाले मकान अब मांगे हो गए हैं। सरकारी जमीनों का डीएलसी रेट बढ़ने से पहले हाउसिंग बोर्ड ने अपनी आवासीय योजनाओं की जमीनों की आरक्षित दरों में बड़ी बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 8% से लेकर 8% 50% तक कर दी गई है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये दरें 30 जून 2025 तक के लिए लागू रहेंगी। 6 महीने में दूसरी बार बढ़ाई दरें। हाउसिंग बोर्ड ने 6 महीने के भीतर दूसरी बार जमीनों की आरक्षित दरों में इजाफा किया है। इससे पहले इसी साल 19 जनवरी को आदेश जारी करके जमीनों की कीमतों में इजाफा किया गया था। हालांकि बोर्ड ने अलवर, भिवाड़ी, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर की स्कीम में इजाफा नहीं किया है। इन जिलों में मौजूद सर्किल ऑफिस से यहाँ की जमीनों की कीमतों को स्थिर रखने की सिफारिश की गई थी। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मनरेगा में बड़ा घोटाला, मृतकों को श्रमिक बनाकर दिखाई जा रही है हाजिरियां, उठाया जा रहा है लाखों का भुगतान। मामला राजस्थान प्रदेश का है, मामला बरसों तक दबा जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि एक 4 सदस्यीय दल ने हाल ही में एक जांच की है और जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि तत्कालीन सरपंच और मेट मिलकर मनरेगा में बड़ा घोटाला कर रहे हैं और एक घोटाला उजागर भी हो गया। मृतकों को श्रमिक बनाकर हाजिरी दिखाई जा रही है और लाखों का भुगतान भी उठाया जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थी अब 15 जुलाई तक करवा सकेंगे ईकेवाईसी। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को अब 15 जुलाई तक ईकेवाईसी करवाना जरूरी हो गया है। ईकेवाईसी की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को राशन के गेहूँ लेने के लिए ईकेवाईसी कराना जरूरी है। इसके अभाव में 15 जुलाई के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान प्रदेश में राशन डीलरों और राशन दुकानों के डीलर को इस सभी लाभार्थियों की ई केवाईसी करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, टीचर्स और कर्मचारियों की डिप्यूटेशन हुए रद, सिर्फ नहीं मिलेगी छूट। राजस्थान में सबकी बड़ी खबर आ रही है। अब राजस्थान में सरकार का एक बड़ा फैसला, टीचर्स और कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिलेगी। अपने मूल पद को छोड़कर अपने घरों के पास प्रतिनियुक्ति पर बैठे शिक्षा विभाग के अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों के ऐस के दिन खत्म होने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने बिना स्वीकृति के अपना मूल पद छोड़कर डेप्यूटेशन पर बैठे हुए टीचर्स और दूसरे स्टाफ की प्रतिनियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है।
अब उन्हें अपने मूल स्थान पर जाकर ज्वाइन करना होगा। हालांकि इस आदेश में उन टीचर्स को राहत दी गई है जिनका डेप्यूटेशन शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक के आदेशों से हुआ है। राजस्थान शिक्षा विभाग में डेप्यूटेशन बहुत आम बात है। दूर दराज के स्कूलों में पोस्टेड टीचर्स और दूसरे स्टाफ के लोग जुगाड़ लगाकर अपने शहर में या उसके आसपास किसी स्कूल का ऑफिस में पोस्टिंग करवा लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मूल पद वाले स्कूल में टीचर्स की कमी से स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित होती है। मगर अब शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर सारी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी हैं, जिससे काफी लोगों को अपने मूल पद पर वापिस जाना पड़ेगा। हालांकि तीन बड़े लेवल की परमिशन से हुए डेप्यूटेशन अब रद्द नहीं होंगे, मतलब कि अगर शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक ने कोई नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, डेप्यूट किया है, तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन तीन आदेशों से हुए डेप्यूटेशन को रद्द नहीं माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, स्कूल आने जाने के लिए छात्राओं को भत्ता देगी राजस्थान सरकार, हर साल 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए देने का प्रावधान। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में यानी दूरदराज के इलाकों में स्थित स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशी की खबर है। रूरल एरिया की छात्राओं को अब सरकार की तरफ से स्कूल आने जाने पर किराए के रूप में भत्ता दिया जाएगा, जिसे ट्रांसफर वाउचर योजना नाम दिया गया है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूल शिक्षा परिषद ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश की ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की 9वीं और 10वीं क्लास की छात्राओं को रोजाना प्रेजेंस के हिसाब से 20 रुपए की ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका फायदा राज्य की 21,237 छात्राओं को मिलेगा। पूरे साल स्कूल में प्रेजेंस के आधार पर हर छात्राओं को मैक्सिमम 5,800 रुपए देने का प्रावधान है, जो उसके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे। इसके लिए भी किसी भी हालात में नकद भुगतान है वो सरकार नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने पर विपक्ष से मचाया हंगामा, टीकाराम जूली बोले ये संविधान को चैलेंज किया। विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामे से हो गई है। राज्यपाल का अभिभाषण नहीं करवाने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विरोध जताया है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहसबाजी हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह दूसरा सत्र है, इसीलिए राज्यपाल का अभिभाषण जरूरी नहीं है। बता दें कि 3 जुलाई को विधानसभा का बजट सत्र वो शुरू हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही शोक का अभिव्यक्ति हुई। इसके बाद आज 4 जुलाई को 11 बजे सदन है वो स्थगित हो जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई को सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजनलाल सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। बता दें कि आज शाम 10 बजे के आसपास में सदन है वो स्थगित होगा, हालांकि 11 बजे आज फिर से कार्यवाही शुरू होगी। बजनलाल सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी, फिर 11, 12 और 15 जुलाई को सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार की शुरुआत के बाद 45 मिनट के बाद स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित किया है, जो कि आज से 8 जुलाई सुबह 11 बजे दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत 4 जिलों में तेज बारिश और सीकर में आई आंधी, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियां डूबी, बारोड़ में मोबाइल पर बात कर रही युवती पर गिरी बिजली। पूरे राजस्थान में मानसून पहुंच चुका है। देशभर जयपुर में मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। वहीं जयपुर में भी बारिश देखने को मिली। इधर अलवर में भी शाम को बारिश हुई, इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं सीकर में अच्छी बारिश देखने को मिली है, यहां मौसम ने करवट बदली, आंधी चलने के साथ ही बारिश हुई। दौसा में भी शाम को पानी बरसा। इधर मौसम विभाग ने 4 और 5 जुलाई के लिए येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर को छोड़कर शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, चिरोई, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, अजमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सवाईमाधोपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, करौली, दौसा, नागौर, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, किसानों को अच्छी क्वालिटी की बीज उपलब्ध करवाएगी सरकार, किया बड़ा ऐलान। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी बोले किसान इसी से ले सकेंगे अच्छी पैदावार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी अरुण कुमार ने कृषि वैज्ञानिकों से बेहतरीन बीज तैयार करने का आह्वान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा है कि किसान इसी बीजों से अच्छी पैदावार ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर, खेती की नई तकनीक सीखने के लिए विदेश जाएंगे राजस्थान के किसान।
सबसे बड़ी खबर, सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को उन देशों में भेजेगी जहां पर खेती की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके खेती की जाती है। वहां से खेती के नए तौर तरीके सीखकर हमारे किसान भाई अपनी उपज बढ़ा सकेंगे। कुल मिलाकर की बात कहें तो राजस्थान के किसानों को राजस्थान सरकार खुद किराया वैन करके उन्हें विदेश भेजेगी, उनका पूरा खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दौरान कि मात्र 6 महीने के भीतर हमने संकल्प पत्र की 45% वादे पूरे कर लिए हैं। इसी दौरान किसानों और पशुपालकों को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले किए हैं। अगली बड़ी खबर, नॉइस बुलेटिन जारी कर ध्वनि प्रदूषण पर रखी जा रही है निगरानी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किया जा रहा है अध्ययन। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन ने कहा है कि वायु और जल प्रदूषण की तरह ही ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना मंडल की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में ध्वनि प्रदूषण से मानव और सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संभावित उपायों से आम जन को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करना होगा, ताकि मानवीय और वन्य जीव को वायु और जल प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण से भी राहत मिल सके। इस संबंध में आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर के ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन करवाया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मेवाड़ को बड़ी सौगात, 40 करोड़ से होगा विकास कार्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में सार्वजनिक निर्माण और विभाग के माध्यम से प्रस्तावित 1631 कार्यों के लिए 99,994 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। बता दें कि 1631 कार्यों को मंजूरी दी गई है, काम स्वीकार किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, इस बार बजट होगा बड़ा राजस्थान में शानदार, राजस्थान वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात, दिया कुमारी ने दिए बड़े संकेत। बजट में इस बार बड़ा खुश खास है, राजस्थान वासियों को क्या क्या मिलने जा रहा है इसे लेकर वित्त मंत्री खुद दिया कुमारी ने बड़े संकेत दे दिए हैं। राजस्थान में विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है। भजनलाल सरकार 10 जुलाई को बजट पेश करेगी। विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले सीएम कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले कई विधेयकों पर चर्चा हुई। बता दें कि फरवरी महीने में राजस्थान में अंतरिम बजट पेश किया गया था। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि इस बार के बजट में राजस्थान वासियों को बड़ा कुछ खास मिलने जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट है वो बनाया गया है। 10 जुलाई को बजट पेश होगा, डबल इंजन की सरकार है, जनता की उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीएम ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बजट पर भी अच्छा काम हुआ है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले दिया कुमारी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की थी। अगली बड़ी खबर, इन नए जिलों पर गिर सकती है गाज, भजनलाल सरकार ने अपनाया रुख। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से 19 नए जिले और 3 सभागों को गठन किया गया था, जिसे लेकर अब संकट के बादल मंडराने लगे। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से 19 नए जिले और 3 संभागों का गठन किया गया था, जिसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने समय की जरूरत करा दिया था। उनका कहना था कि राजस्थान का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, ऐसे में कई जगह लोगों को स्वास्थ्य और प्रशासनिक कामकाज के लिए अपने जिले तक जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उन्हें प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नए जिलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भजनलाल सरकार का मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है, जिसके चलते इन जिलों के गठन के दौरान काफी खाम रह गई, जिसके लिए सरकार ने कमेटी गठित की है। हालांकि नए जिलों को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रेमचंद बैरवा ने बताया है कि 15 दिन के भीतर अब रिपोर्ट देनी होगी, यह रिपोर्ट अब आने ही वाली है। नए जिलों की सिफारिश कोई नहीं की गई थी, वास्तविक तौर पर कहां जिला बनाने की जरूरत थी और उसके लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए था, जनता को इससे क्या फायदा होने वाला था, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर सब कमेटी अपना काम कर रही है। बैठक में मंत्री हेमंत मीणा और कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे हैं। जो सीमांकन और आबादी के लिहाज से पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे में उन नवीन जिलों पर गाज गिर सकती है। इसमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुशामन, दूदू, भलोदी, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, नीमकांता थाना और सांचौर, सलूंबर, शाहपुरा, भीलवाड़ा जिले शामिल हैं जिनको रद्द किया जा सकता है। और ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।